किसानों को, युवाओं को, हमारी माताएं बहनों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने जो मुझे पिछले 14-15 दिनों में दिया है, जो आपने मुझे सिखाया है, वो मुझे कहीं भी सीखने को नहीं मिलता। आपका प्यार, आपका भरोसा और आपकी जो समझ है कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की, जो समझ है किसानों की, जो समझ है युवाओं के, जो सपने हैं, माताएं बहनों का जो दुख है, ये सब आपने मुझे दिखाया, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। और जो आपके महापुरुष हैं जिन्होंने ये बातें आपके दिल में डाली, आपके खून में डाली, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और उनका आदर करता हूं। उनके बिना ये प्रदेश महाराष्ट्र का नहीं होता। तो उनका सबका, शिवाजी महाराज, अंबेडकर जी, फूले जी, लिस्ट है, अगर मैं बोलूं तो 10-15 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि बहुत सारों को आपने पहचाना है, मगर बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति महाराष्ट्र में हैं जिनको पहचाना नहीं गया, मगर जिनके दिल में, जिनके खून में यही। तो आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। जब मैं छोटा था, मेरी दादी ने मुझे एक फोटो की किताब दी थी और उस पुस्तक का नाम था तेंदु एक आदिवासी बच्चा। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी। वो किताब में वो आदिवासी बच्चे के बारे में किताब बोलती थी, लिखा हुआ था। और वो किताब समझाती थी कि आदिवासी बच्चा जंगल के साथ उसका क्या रिश्ता था। और हर 2-3 दिन में अपनी दादी को पकड़ लेता था और वो किताब उनसे पढ़वाता था। उसमें बहुत बहुत सुंदर फोटो थी, वहां चित्र बने हुए थे और लड़के के पास तीर कमान था, वो मछली को मारता था। तो मैं बच्चा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। और एक दिन मैंने दादी से पूछा, किताब के बारे में पूछा, आदिवासियों के बारे में पूछा, और मैंने पूछा, ये आप मुझे किताब आपने ये मुझे दी, मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये आपने मुझे क्यों दी? और दादी ने जवाब दिया, क्योंकि यही हिंदुस्तान के असली मालिक हैं। और अगर तुम्हें, उन्होंने मुझे बोला, अगर तुम्हें हिंदुस्तान समझना है तो सबसे पहले तुम्हें आदिवासियों को समझना होगा, उनकी जिंदगी को समझना होगा, जंगल को समझना होगा, जल को समझना होगा, और उनकी संस्कृति के समझे बिना, रीति रिवाज समझे बिना तुम हिंदुस्तान को समझ नहीं सकते हो। मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं ये बात भूल गया था। कुछ साल पहले मैं उनके घर गया था, उनकी म्यूजियम में मैंने वो किताब दिख गई मुझे। और मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक से ये कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदुस्तान को सचमुच में समझना चाहते हो, आपको हमारे आदिवासी भाई और आदिवासी बहन जो हैं, उनका इतिहास, उनका जीने का तरीका, उनका जंगल से रिश्ता, एनवायरनमेंट से रिश्ता समझना होगा। क्योंकि आपने ही इस धरती पे पहले पैर रखा था। कल यात्रा में हमने महिलाओं को सबसे सामने रखा कि देश को दिखे
महिलाओं की ताकत देश को दिखे। जो देश अपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता है वो कभी आगे नहीं जा सकता। और आपने देखा होगा अखबार में आता है कभी कभी किसी महिला का बलात्कार होता है तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि औरत की गलती थी, तो उनके नेता कहते हैं अगर लड़की वहां नहीं होती तो उसका बलात्कार नहीं होता, अगर लड़की ऐसे कपड़े नहीं पहनती तो उसका बलात्कार नहीं होता। मैं यहां से कहना चाहता हूं जब भी महिला किसी भी महिला का बलात्कार होता है तो महिला की गलती कभी नहीं होती है। अगर गलती होती है तो उसकी होती है जिसने बलात्कार किया है। और जब बीजेपी के नेता ऐसी बात करते हैं वो हिंदुस्तान की हर बहन हर मां का अपमान करते हैं। ये हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क है। कुछ समय पहले मैंने प्रधानमंत्री जी का एक भाषण सुना और उसमें प्रधानमंत्री जी ने एक नया शब्द प्रयोग किया, वनवासी। ये इन दो शब्द का मतलब बिल्कुल अलग है, ये एक शब्द नहीं है। आदिवासी कहता है कि आप लोग हिंदुस्तान के असली मालिक हो, वनवासी कहता है कि आप लोग जंगल में रहते हो। मतलब वनवासी शहर में नहीं रह सकता, वनवासी हवाई जहाज में नहीं उड़ सकता, वनवासी का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, वनवासी की बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती। और सबसे जरूरी बात, जिस दिन हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो गया उस दिन आप कहीं के नहीं रहे। और प्रधानमंत्री और इनकी सरकार हर रोज आपसे आपका जंगल छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को दे रही है। हमारे लिए आप वनवासी कभी नहीं होगे, आप सिर्फ आदिवासी हो, आदिवासी रहोगे। और ये जो देश है इसके आप पहले मालिक। इस देश के आप पहले मालिक हो। अगर आप पहले मालिक हो तो आपको अधिकार मिलने चाहिए। आप सिर्फ जंगल और जमीन का अधिकार नहीं, वो तो मिलना ही चाहिए, मगर शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, रोजगार का अधिकार, धन का अधिकार, ये सब आपके आपके पास होने चाहिए। और जो आपकी संस्कृति है, जो आपका इतिहास है, वो इस देश के लिए सबसे जरूरी है। जो आपका एनवायरनमेंट से रिश्ता है, जो आपकी एनवायरनमेंट की समझ है, वो सबसे गहरी सबसे बेहतर है। आपकी भाषा, आपका जीने का तरीका जरूर अलग है मगर किसी से कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने आपको पैसा कानून दिया, फॉरेस्ट राइट्स बिल दिया, जमीन का अधिकार दिया, ये आपका हक है और इसीलिए यूपीए ने कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है। ये हक है, ये तोहफा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने पंचायती राज कानून भी दिया और हमने कोशिश की महिलाओं को रिजर्वेशन देने की और मनरेगा से आपको काम की भी गारंटी अधिकार दिया। और जो भी हमने कानून आपके लिए बनाए थे उन सब को प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार कमजोर कर रही है और ये हम इन कानूनों को हम कभी कमजोर नहीं होने देंगे। और हमारी सरकार आने के बाद जितना इन्होंने इन कानूनों को कमजोर किया है उससे दुगना हम इन कानूनों को मजबूत कर देंगे। और ऐसे ही नए कानून हम आपके लिए लाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा हमने कन्याकुमारी से शुरू की, ये श्रीनगर तक जाएगी। इसका लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है, एक बनाने का है। और बीजेपी के लोग जो गरीब लोगों के साथ, कमजोर लोगों के साथ हिंसा कर रहे हैं,
नफरत फैला रहे हैं उससे लड़ने की ये यात्रा है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।